गांव अंजनथली में गैंगवार के चलते बदमाशों ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई, जिसमें 5 लोग जख्मी हो गए। 3 की हालत को गंभीर देखते हुए नीलोखेड़ी अस्पताल में उन्हें रेफर कर दिया गया है। परिजनों ने घायलों को शहर के एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती करवाया है, जबकि 2 अभी नीलोखेड़ी अस्पताल में ही भर्ती है। घटना की सूचना पाकर पुलिस भी मौके पर पहुंची और लोगों से पूछताछ की। गोलीकांड से गांव में दहशत का माहौल बना हुआ है। बताया जा रहा है कि हत्या के मामले में जमानत पर आए कपिल को बदमाश निशाना बनाना चाहते थे, इसी कारण उन्होंने ताबड़तोड़ फायरिंग की, जिसमें कपिल सहित 5 लोग जख्मी हो गए, इनमें से एक महिला भी शामिल है। पुलिस DSP वीरेंद्र सैनी ने बताया कि उन्हें जानकारी मिली थी कि अंजनथली में अज्ञात बदमाशों द्वारा गोलाबारी की गई है, जिसमें 5 लोग बुरी तरह से जख्मी हो गए हैं। घायलों को तुरंत अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया है और पुलिस की टीमें गठित कर दोषियों को गिरफ्तार करने की कार्यवाही आरंभ कर दी गई है। शुरुआती जांच में अनुमान लगाया जा रहा है कि बदमाश कपिल नामक युवक पर फायरिंग करने के लिए आए थे, जिसके चलते कपिल एक मकान में घुस गया। आरोपियों द्वारा मकान के दरवाजे से गोलियां चलाई गई, जिसमें अंदर से एक महिला व युवक गोलियों से जख्मी हो गए। मामले को बबली अंजनथली हत्याकांड से जोड़कर देखा जा रहा है। फिलहाल पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए टीमें गठित कर आगे की कार्यवाही में जुट गई है। इस वारदात से गांव में दहशत का माहौल व्याप्त है। सरेआम हुए इस गोलीकांड से कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं और आम आदमी दहशत के साए में जीने को मजबूर हो रहा है। देखिए समाचार एक्सप्रेस की एक खास रिपोर्ट। मैंने देखे वहाँ सड़क लग गोलियां चलाई आगे थी, मैं उसके हाथ जोड़ दे रही जी, जी। उनको फिर उन्हें तो गोलियां चला दे रहे, कुछ ऊपर कुछ नीचे वहाँ पड़ी थी। वो मोटरसाइकिल पे आए थे, तीन जने पर सर गया जी। तो कपिल के किसी और दोस्त को भी मारी है गोली, जो साथ थे उनके अंकल का लगी है, चाचा क्या नाम है जी? हाँ जी, कुल कुमार। तो कौन दुश्मनी है, क्या वजह है, क्यों? बस वही है जी, बबली वाली। तो बबली वाले मामले में कब आया था ये बाहर? जनवरी में आया था जी। जनवरी में आया था जी। तो चाहेंगे कार्रवाई होनी चाहिए जी, कार्रवाई होनी। तो आप बताए उसने करवाया जी, जो कुछ भी करवाया जी, हमारा तो उनके साथ कोई वो नहीं आया जी। 5 महीने पहले मेरे चाचे भी अटल क्यों हमला कराएंगे, क्या वजह सर? वही बस पहले तो उसकी जमानत करवाया था, उस करके अंकल को चोट लगवा दी जी उन्होंने, बिल्कुल काट दिया था अंकल, बिल्कुल वो कर दिया था जी गंडासी। और तो देखा किसी ने, पहचान हुई कुछ ने हमला? 3 पल्सर भी आया जी, देखे जी वैसे मतलब चेहरा तो दिख रहा था उनका, शीशा ऊपर कर रखा था, मतलब उन्होंने पहले तो मतलब और किसी का नाम पूछ के करवाया था, फिर उन्होंने एकदम कपिल देखा था, एकदम दो बंदों को निकाल ली तीनों ने। तो जो बीच में आए उन पर भी गोलियां चलाई हैं, अंकल की टांग में लगे जी, एक चाचे का लड़का है जी और भाई और एक भाई बहन बता रहे हैं उन पर भी। इनको कैसे गोली लगी सर? वो जैसे जान बचाने के लिए ना, जान बचाने के लिए भाग के इस तरफ, तो वो भी इसके पीछे आ गया था जी, इसकी वजह से लगी। तो क्या बयान वगैरह दिए अभी तक पुलिस को? सर अभी तो कुछ नहीं दिया जी, अभी जी हाँ जी, तो वजह नहीं पता चल पाई अभी ठोस की, कोई मुखबरी किसने दी या कोई जगह? सर यही है जी, गांव में जी मुखबरी वाले तो बहुत सारे हैं जी, ये जो गांव के हमारे पड़ोस हैं और जो ये इस तरह भी आ रहे हैं रोड है, और जो बार बार चक्कर काट रहे थे उन्होंने करवाया जी। आपका क्या नाम है? सचिन नाम है जी उसका, भाई खड़ा था जी, हमारा लड़का वो आया था लड़की छोड़ने वास्ते, ट्यूशन पढ़ा था जी, उसका 2-3 गोली मार गया। कपिल का साथी था या कपिल का साथी था? वो ट्यूशन पर लड़की पढ़ाती थी। तो पता चला क्या वजह है, क्यों किसको गोली मारने आए थे लोग? कपिल का आया था जोड़ी को मार देने। तो कपिल का क्या मतलब मामला था? पीछे ने वही दी थी। किस मामले में? जो बल्ली मच्छर पर मारा था ना जी, उसमें भी अरेस्ट भी हुआ था कपिल? कपिल अरेस्ट हो जी, वो तो उस पर है जी, जमानत पे आया हुआ था। तो किन्होंने मारी है कुछ पता चला? गोली किसने मरवाया? कितने लोगों को लगी है टोटल गोली? 6 का लगी हुई जी मेरे साथ। तो ये जानकारी मेरा नहीं है, ठीक है, बाकी वो जो वहाँ से भगते हुए आए उनका ये कहना था कि अंदर लुक गया तो कह देंगे भाई बाहर काट दो इस बंदे को, हमने मारना है या आप निकाल लेते, उन्होंने हमारे बच्चों पे गोलियां क्यों चलाई है? तो हमें तो वो चाहिए जिन्होंने गोलियां चलाई हैं। तो कौन थे अपने बच्चे, कौन कौन घायल हुए? भतीजा है जी मेरा रिंकू है जी, और भतीजी है पूजा। घर की उम्र है जिनकी जी? शादीशुदा है वो, 25-26 की उम्र है। तो ये घर में अंदर थे जिनको लगी है गोलियां? हाँ जी, अपने घर में अंदर। हाँ जी। बाकी और कितनों को लगी? लड़का सब्जी बेच के आया था जब ही। तो और कितने लोगों को लगी है गोली? और तो एक सरदारों में से बता रहे हैं जी, सिमरन सिंह। टोटल 3-4 लोगों को लगी जी, एक कपिल के चाचा को भी बता रहे हैं जी। आपका नाम? गीता जी। मोटरसाइकिल पे बता रहे आ रहे हैं यहाँ, पहुँच के चेक किया तो जो घायल थे, अभी हमारी जो प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन हुई है उसके अंदर ये पता लगा है कि 5 व्यक्तियों को गोलियां लगी, 3 व्यक्ति तो अमृतधारा हॉस्पिटल में एडमिट हैं और 2 व्यक्ति अभी जो हमारी CHC नीलोखेड़ी है वहाँ पर एडमिट है। अब
अभी हम कोशिश कर रहे हैं, अभी हमें कोई सुराग नहीं लगा है कि हमला करने वाले कितने थे और कैसे ये वारदात को अंजाम दिया। सर कितने लोग आए यहाँ पर, कितने पहुँचे अभी यहाँ तक? अभी यहाँ पर 3 व्यक्ति पहुँचे। तो कपिल भी है सर, इसमें कपिल का क्या रोल था इसमें? ऐसा जी, कपिल को तो हम अभी कोई कमेंट नहीं करना चाहेंगे कि इस घटना को किस घटना के साथ जोड़ा जा सकता है, लेकिन क्योंकि अभी तक किसी ने ना तो कोई बयान दिया है, ना हम मौके पर जाके ये चेक कर पाए हैं कि हमला करने वाले किस तरीके से आए थे और उनके लिए प्राइम टारगेट कौन था। कपिल वही शख्स है जो बबली अजंत्री मामले में अरेस्ट हुआ था 1.5 महीने पहले? हाँ जी, ये सच्चाई है कि कपिल जो पहले मर्डर हुआ था उसमें अरेस्ट हुआ। सर इसमें 3 लोग बता रहे हैं जिनका तो कोई लेना देना नहीं था, उनको भी गोली लगी है, इस बारे में अभी कोई कमेंट नहीं कर पाऊंगा कि किसी का क्या लिंक था या हमला करने वाले किसके लिए आए थे और किस पर अटैक करना था। टीमों का गठन किया गया सर? हाँ जी, टीमें गठित की गई है, हमारी टीम में नई लोकेडी भी लगी हुई है, अजंत्री गाँव के अंदर भी है और यहाँ भी हमारी कई टीमें काम कर रही है। कितने लोग हैं सर कुल घायल? टोटल अभी 5 व्यक्ति घायल हो गए सूचना। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।